खबरों की ओर फतेहाबाद से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनसभा शाम करीब 4 बजे अनाज मंडी में ये जनसभा होगी। जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर के लिए वोटों की अपील करेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम करीब 4 बजे अनाज मंडी में ये जनसभा आयोजित की गई है। जनसभा को संबोधित भी करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनसभा है, शाम करीब 4 बजे अनाज मंडी में ये जनसभा होगी और इस जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये जनसभा है, शाम करीब 4 बजे अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही जो वहां से उम्मीदवार है उनका उनके लिए वोटों की अपील करेंगे। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर के लिए वोटों की अपील करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमेश भट्ट जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रमेश, आज यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसभा को शाम करीब 4 बजे अनाज मंडी में संबोधित करेंगे और सिरसा से जो बीजेपी के उम्मीदवार है अशोक तंवर उनके लिए वोटों की अपील भी करेंगे। कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की घोषणा थी उसके बाद लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता है वो पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी रैलियां कर रहे हैं। तो ऐसे में आज फतेहाबाद की अनाज मंडी में शाम 4 बजे जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो यहाँ पहुंचेंगे और एक जनसभा को जो संबोधित करेंगे। वहीं जो सिरसा से लोकसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं अशोक तंवर, उनके लिए वोटों की अपील भी जो मनोहर लाल खट्टर द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की तारीखों में काफी कम वक्त बचा हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी अलग अलग जगहों पर अपने जो उम्मीदवार हैं उनके लिए उनके पक्ष में वोटों की अपील लगातार की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।